बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जनाब, इस बार 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मिलाद की महफिलों में अजीब कारनामा ये देखने को मिला कि औरतों की महफिल च मिलाद पढ़न वास्ते मौलवी बड़े ने ते मर्दों की महफिल च औरतों कलाम पढ़ रही ने, जो कि ये जहालत बेशर्मी की इंतहा है। अब जरा ये देखें, यहाँ सिर्फ बेपर्दा औरतों का मजमा है और इनके बीच एक ठरकी मुल्ला मौजूद है जो नात पढ़ रहा है और औरतें जनाब के ऊपर पैसे बरसा रही हैं। हालांकि ये हरकत किसी दीनदार बंदे को जेब नहीं देती। मुल्ला साहब, अगर तुसा नात पढ़नी है तो मर्दों च पढ़ो, औरतों नू औरतों च पढ़न दो। पर नहीं, मुल्ला साहब ने अपना अलग ही समा बनाया। धंधा है, कारोबार है, बिजनेस है। ये दीन माल और औरत का दीन है। इस्लाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो देकर गए, वो इज्जत वो गैरत का दीन है। अब यहाँ मर्दों का घड़मस है और इनके अंदर बैठकर एक खातून कलाम पढ़ रही है और मर्द हजरात इसके ऊपर पैसे बरसा रहे हैं। अगर ये बेगैरती बेशर्मी की इंतहा नहीं तो और क्या है? ये दीन इस्लाम हरगिज नहीं है जनाब, ये दीन को बिगाड़ने की साजिश है जो कि दीन के दावेदार खुद कर रहे हैं। साड़ी कौम तो भी सदके जाइए। अब जरा ये देखें, लोग मिलाद के नाम पर बैंड बाजे वालों की बुकिंग करके बाजार में डांस कर रहे हैं। हालांकि इन कामों से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है और ये उसी काम को प्यारे नबी के नाम पर कर रहे हैं। यकीन जाने मेरे भाई, ये लोग मिलादी नहीं बल्कि ये कंजर हैं, और कंजर भी कोई आम कंजर नहीं बल्कि ये घटिया किस्म के बदतरीन कंजर हैं। ये बदतरीन कंजर इसलिए हैं क्योंकि जो आम कंजर होते हैं वो तो अपने पेट पूजा के लिए नाच गाना करते हैं, और ये खबीस इस काम को इस्लाम का जुज समझकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मनसूब करके कंजर खाना करते हैं। इसलिए ये घटिया किस्म के बदतरीन कंजर हैं।